अगर आप नए मैकेनिक हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो है दोस्तों। आपके गुरुजी या आपके उस्ताद जी ये सब नहीं बताएगा, ये नहीं सिखाएगा दोस्तों, ये 100% मेरा गारंटी है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, अक्सर ज़्यादा मैकेनिक वायरिंग संबंधी या दोस्तों ये ख़राब है कि सही है इसी के विषय में अटक जाता है दोस्तों अक्सर बाइक मैकेनिक, ठीक है। बहुत सारा कमेंट भी रहता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों को, ठीक है। चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ना दोस्तों, ये जो 4 पिन वाला रिले है ना, ये हम चेक करके हम आपको दोस्तों बताएंगे, ये सही है दोस्तों, ये न्यू है, ठीक है। और दोस्तों ये पुराना वाला रिले है तो ये ख़राब है। तो चलिए हम नया में और पुराना में अंतर जानेंगे, नया में क्या रीडिंग शो करता है और पुराना में क्या रीडिंग शो करता है। तो चलिए सबसे पहले हम नया लेंगे दोस्तों, और दोस्तों यही क्वांटिटी मोड पर चेक करना है, ये मल्टीमीटर का पी मोड पर दोस्तों लगा लेना है यहाँ पे कंटिन्यू मोड पे, ठीक है, और चेक करना है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहला ना देखिए, ये छोटा पिन वाला जो ये रिले का जो छोटा पिन है ना, ये दोनों ये है क्वाइल का दोस्तों। जैसे ही एक में माइनस और एक में प्लस ये रिले में करेंट इनपुट घुसता है ना, तो ये रिले ना एक मैग्नेटिक फील करता है दोस्तों, चुंबकीय शक्ति पैदा करता है। तो देखिए हम बारीकी से समझा रहे हैं, तो ये छोटा पिन देखिए और ये 2 बड़ा पिन है। तो पहला छोटा पिन को चेक करना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए एक मल्टीमीटर का एक वायर इससे अटैच करेंगे और एक इससे अटैच करेंगे। तो यहाँ देखिए मल्टीमीटर में 85 रीडिंग शो कर रहा है दोस्तों। इससे ज़्यादा अगर रीडिंग शो करे तो ये भीतर का जो क्वाइल का कंपोनेंट है वो ख़राब हो चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ हम टच करेंगे तो देखिए दोस्तों 85 शो कर रहा है दोस्तों मल्टीमीटर में, ठीक है, पी नहीं बज रहा है दोस्तों। तो ये क्या हमको यह पता चला कि ये जो रिले है ना एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, ठीक है, ये भी नई है दोस्तों। तो देखिए यहाँ हम टच करेंगे ये छोटा पिन वाला में दोस्तों, देखिए तो इसमें भी दोस्तों सेम दिखा रहा है, देखिए 88 दिखा रहा है, यानी कि 1-2 पॉइंट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ देखिए ये मोटा पिन वाला रिले दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें दोस्तों पी नहीं बजना चाहिए। देखिए एक यहाँ पे हम टच करेंगे और एक दोस्तों हम यहाँ पे टच करेंगे तो पी नहीं बजना चाहिए। देखिए मल्टीमीटर में कुछ भी शो नहीं कर रहा है और पी भी वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये रिले एकदम सही है, अगर ये दोनों में ये मल्टीमीटर को वायर जब हम टच करेंगे और पी कहीं ये मल्टीमीटर में बज रहा है, उस केस में दोस्तों ये रिले ख़राब हो सकता है। ये मोटा पिन वाला में जैसे हम ये वायर इंस्टॉल करेंगे तो पी नहीं बजना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये नया पिन को यहाँ साइड में रखेंगे और पुराना वाला दोस्तों आप देखिए, चलिए ये पतला पिन वाला है 2, ये भी 4 पिन का ही रिले है। तो चलिए यहाँ टच करेंगे और एक हम दोस्तों यहाँ टच करेंगे तो ये देखिए ये ज़्यादा रीडिंग शो कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इससे आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये रिले में ना कुछ गड़बड़ी है, क्वाइल गड़बड़ हो चुका है दोस्तों, ठीक है। ये काम करेगा लेकिन जितना काम करना चाहिए ना ये काम नहीं करेगा, जितना आउटपुट निकालना चाहिए ये रिले आउटपुट नहीं निकालेगा। तो चलिए मोटा पिन को भी हम यहाँ चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए इसमें भी यानी पी नहीं बज रहा है, ठीक है। तो ये दोनों पोल सही रहने से ये ठीक नहीं माना जाता है, ये दोनों पोल सही नहीं है, इसके अंदर जो क्वाइल है ना वो ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है। तो इसी तरीका से ना ये 4 पिन रिले हम चेक कर सकते हैं दोस्तों एकदम आसान तरीका से, ठीक है। तो चलिए ये हम साइड में रख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब सवाल रहा दोस्तों ये 4 पिन रिले का, ये सेल्फ रिले है दोस्तों, यह है हुंडा कंपनी के डियो एक्टिवा, यानी कि जितना भी हुंडा कंपनी के स्कूटर है ना दोस्तों ये रिले लगता है सेल्फ रिले हम बोल सकते हैं। तो ये भी सही है कि ख़राब है, ये मल्टीमीटर के जरिए से हम पहचान सकते हैं दोस्तों। देखिए मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पर ही रखना है, ठीक है। और दोस्तों ये दोनों छोटा जो पिन है ना, देखिए एक ये साइड में है और एक ये साइड में, ये है क्वाइल का, ठीक है, मैग्नेटिक फील करता है, एक माइनस और एक प्लस आता है ये दोनों पिन में दोस्तों, ठीक है। तो हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं दोस्तों इस तरह से लगा के, तो यहाँ कंटिन्यूटी बजना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं पी, ये मल्टीमीटर साउंड वर्क कर रहा है दोस्तों, पी बज रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इससे हमको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये दोनों पिन के जो इसके अंदर क्वाइल है ना वो एकदम परफेक्ट है, वो शॉर्ट नहीं है, बीच में से कट नहीं है दोस्तों, ठीक है। और ये मोटा पिन भी हम चेक कर सकते हैं दोस्तों, एक है इनपुट 12 वोल्ट का और एक है आउटपुट जो सेल्फ कटआउट में जाता है, तो ये एक आपस में इसके अंदर टच नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं,
तो देखिए पी साउंड वर्क नहीं कर रहा है ये मल्टीमीटर, यानी कि कुछ भी मोमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो उस केस में हमको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये सेल्फ रिले है ना एकदम परफेक्ट है। अगर ये मोटा पिन में जब इस तरह से हम चेक करेंगे और ये मल्टीमीटर में जब पी बज रहा है तो उस केस में दोस्तों ये सेल्फ रिले खराब है दोस्तों, ठीक है। आप इसी तरह से चेकअप करना है। तो ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों, लेकिन ये यानी कि सही है कि ख़राब है हम कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये दोनों छोटा पिन में टी बजना चाहिए, कंटिन्यूटी आवाज़ आना चाहिए। ये दोनों मोटा पिन में कंटिन्यूटी आवाज़ नहीं आना चाहिए दोस्तों। अगर आ रहा है तो ये भीतर शॉर्ट है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों देखिए ये यानी कि ये प्रकार का दोस्तों रिले ही हम बोल सकते हैं, यानी कि दोस्तों हम रिले भी बोल सकते हैं या डाइट भी हम बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये डाइट यानी कि हुंडा कंपनी के साइन में और दोस्तों यूनिकॉर्न में और ग्लैमर में ये रहता है दोस्तों। कहाँ रहता है और कहाँ पर रहता है ये साइड में आप देखिए दोस्तों, ये साइड में रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डाइट है ना ये सही है कि ख़राब है हम कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो डाइट है ना एक साइड पी बजेगा और एक साइड में पी नहीं बजेगा दोस्तों, ये एक ही साइड काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, देखिए ये मल्टीमीटर का दो प्रोब है, ठीक है, और यहाँ हम टच करेंगे तो ये देखिए ये पी बज रहा है दोस्तों, देखिए ये पी बज रहा है, ठीक है। अब जस्ट दोस्तों इसके ये साइड हम घुमा के और यहाँ हम ये चेक करेंगे तो पी नहीं बजेगा दोस्तों, अगर ये सही रहेगा तो। देखिए दोस्तों ये भी यह बज रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों ख़राब है और ये हम लोगों ने ही चेंज किए हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक साइड पी बजना चाहिए और एक साइड पी नहीं बजना चाहिए, तो ये दोनों साइड पी बज रहा है यानी कि ये ख़राब है, इसीलिए हम लोगों ने चेंज किया है दोस्तों। ये पुराना ही डाइट है, देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक बार और हम फिर से बता दे रहे, देखिए देखिए ये साइड भी पी बज रहा है, ठीक है, और ये साइड भी दोस्तों पी बज रहा है, यानी कि ये ख़राब हो चुका है दोस्तों। ये सही रहेगा तो एक साइड पी बजेगा, एक साइड पी नहीं बजेगा, अगर ये सही रहेगा तो ये ख़राब हो चुका है, इसीलिए दोनों साइड पी वर्क कर रहा है यानी कि बज रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये डाइट हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।